किसान भाइयों, एजुकेटेड फार्मर में आपका स्वागत करता हूँ। ये आज का ट्रैक्टर 3600 एडिशन, इसका 2700 सीसी का इंजन है, 2200 रेटेड आरपीएम है, 167.9 इसकी टॉर्क है और इसके अंदर आपको 7 पीटीओ स्पीड मिलती है। और इसके फ्रंट एक्सल की बात करें, जो कि आपको पावर स्टीयरिंग में एडजस्टेबल देता है, नॉन पावर स्टीयरिंग के बारे में खास जानकारी जो इसके कस्टमर है वो देंगे। यूज कर रहे हो, कैसा लगा आपको ट्रैक्टर? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। जैसे फ्यूलिंग तेल का चला गया, 4 लीटर घंटे का एवरेज और रोटावेटर पे, और जो क्या नाम है, शक्तिमान 7 फुटर रोटावेटर चला रहे इस पे। और जी जुताई काटता 11 घंटे बीघेगी, एक घंटे में 11 बीघे। हाँ, दूसरे गियर में, दूसरे के लो गियर में 11 बीघे सिंगल जुताई निकालता 7 फुट। और जो इसकी पीटीओ है, जो क्या नाम है, उसमें 7 फंक्शन है, पीटीओ में 7 स्पीड है, 7 स्पीड है, और मतलब कैसी भी चला सकते हैं इसके अंदर। इंडिपेंडेंट क्लच है ट्रैक्टर के अंदर, क्लच बहुत बढ़िया है, ब्रेक और जो क्या नाम है, क्लच बहुत सॉफ्ट है इसकी, ऑयल ब्रेक है ट्रैक्टर के अंदर। अगर ट्रैक्टर फंसता तो इस गियर को दबा के मतलब झटके से एकदम पार हो जाए बाहर। कैसे? इस वाले गियर को लगाने के बाद में अगर ट्रैक्टर फंसता दिखाई देता तो इसे दबा दो और ऑटोमेटिक अपना आप निकलने के बाद निकल जाता। और पावर स्टीयरिंग आदमी थकता नहीं इस पर, मैसी 41 तो कट है 4 बीघे घंटे की रोटावेटर पर जुताई, तेल खावा 7 लीटर घंटे का, 4 लीटर घंटे का एवरेज है। किसान ने बताया मैसी 7 लीटर घंटे का तेल खाता है, 4 लीटर घंटे का 4510 का एवरेज हमारे पास वो भी है, 241 है इसका सबसे अच्छा। आपने पहले कौन सा ट्रैक्टर यूज किया? पहले पिताजी के टाइम पे तो मैसी चलाया था, उसके बाद में 2004 से हम न्यूलैंड इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूलैंड के ट्रैक्टर आपको कैसे लगे? बढ़िया लगे, और 41 लिया हमने, 41 लिया आगे गन्ने की ढुलाई में, रिक्ख की जुताई में बढ़िया काम करा, आलू की लगाई में। कंपनी से कोई शिकायत आपकी? आज तक ना किसी तरह की कोई शिकायत हो? कोई शिकायत। तो दोस्तों, इसका जो बैक एक्सल है वो स्टेट एक्सल है, इसके अंदर आपको प्लांटरी ड्राइव मिलता है, यानी कि 3 गरारी मिलती है अंदर, जो कि ट्रैक्टर की टॉर्क बढ़ाने में ज़्यादा हेल्प करती है और ट्रैक्टर को किसी तरह की गियर बॉक्स में आवाज़ नहीं आती। गन्ने की आपने चलाया ट्रैक्टर को, आवाज़ किसी तरह की? गन्ने की ट्रॉली पे जैसे हम पहले चलाते थे 36 को, तो झटके मारता था, 32 भी झटके मारता था। इसका डायरेक्ट एक्सल है, तो इसमें मतलब बिल्कुल भी झटके मारने की शिकायत नहीं। और मतलब खेत में ही पहले के टॉप में लेके चलते ट्रॉली, तो रुकती मतलब कोई झटके का मतलब नहीं। सिलो में भी बढ़िया चलता, टॉप गियर में भी रोड पर अच्छा चलता सिलो में। कंपनी से किसी तरह की कोई शिकायत हो? कोई शिकायत नहीं, 45-10, 30-30 और 36-30 और 3600 चारों ट्रैक्टर प्रॉपर चला रहे हैं। सेल करना हो तो बिकवा देंगे अच्छे पैसों में, मनी ना करता बेचने लेने के बाद। किसान किसी पुराने भी खड़े उन्हें बेचने को मन ना करता, किसी तरह से तैयार नहीं है।